नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर के बारे में। मैं उसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताऊंगा, जो भी मैंने रिसर्च करके रखा है। दूसरा, मैं यहां आपको अपनी बुकलेट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि तंदूर की डिशेज के ऊपर है। आप में से जो भी शेफ तंदूर के स्पेशली शेफ हैं या कॉमी हैं, या जो भी स्टूडेंट होटल मैनेजमेंट के तंदूर के बारे में सीखना चाहते हैं, प्लीज़ हमेशा जब भी आप किसी चीज़ के बारे में स्टार्ट करें, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी पहले जानें, उसके बाद उसकी रेसिपीज़ पे जाएं। वो बेटर रहता है हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और हमें मालूम पड़ता है कि भाई इसका बेस कहाँ से क्या आया है। तो यही थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। इस इन्फॉर्मेशन को उन सभी शेफ लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी तंदूर में इंटरेस्ट रखते हैं, तंदूरी खाना बनाना चाहते हैं, जानते हैं, या उनको तंदूर के बारे में किसी भी प्रकार की क्यूरियोसिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तंदूर का जन्म कहाँ हुआ हम लोग बोल सकते हैं, या तंदूर सबसे पहले कहाँ, किसने बनाया, ये अभी तक अननोन है। कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस किसी के पास अभी तक नहीं है कि तंदूर एक्चुअली में कहाँ हुआ, पर कहा जाता है, माना जाता है, जो भी पहले से रिसर्च हुई है, कि हड़प्पा की संस्कृति और उससे भी पहले हमें तंदूर के सबूत मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि तंदूर एक एक संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है कुंड। कुंड जैसे कि हमारे तंदूर के अंदर एक तरीके से आप बोलेंगे, वो एक तरीके से कुंड ही होता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसका जो एक ये एक पेरिशियन वर्ड है, जिसका कि मतलब होता है टाटा अंतर, उससे लिया गया है, जिसका कि अगर मैं हिंदी में मतलब निकालूँ कि बहुत ही गर्म एक बर्तन। तो ये अलग अलग लोगों का मानना है, या जो भी आज तक रिसर्च करी गई है तंदूर के ऊपर। तो ये बेसिक थोड़ी बातें हमको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे तंदूर कई हमारे इंडिया में तो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसके साथ साथ हमारे आजू बाजू के जितने भी कंट्री हैं, इवन जितने भी आपके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी ये बहुत फेमस है, आपके अफ़गानिस्तान, इराक, टर्की, वहाँ पे भी आपको तंदूर आपको मिल जाएगा। जैसे कि हमारे इंडिया में आप देखेंगे तंदूर ऊपर की तरह होता लगा रहता है, पर कहीं कहीं पे आप देखेंगे तंदूर को हमेशा ज़मीन के नीचे लगाया जाता है। तो अलग अलग प्रथाएं चलती आ रही है, लोग उनका फॉलो कर रहे हैं। तंदूर हमारे इंडिया में अगर बोलें तो सिर्फ एक रीजन, एक एक क्षेत्र या एक सिटी तक नहीं सीमित है। आप देखेंगे कि तंदूर को अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है। आप उसमें हैदराबादी भी कुकिंग हो रही है, उसमें कश्मीरी भी कुकिंग हो रही है, पंजाबी भी उसमें जा रहा है, पंजाबी कुजीन हम लोग अब बोलते हैं, तंदूरी चिकन, पंजाबी तंदूरी चिकन, या हैदराबादी मुर्ग बिरयानी, वहाँ पर हम लोग हैदराबाद में उसको यूज़ करते हैं। तो तंदूर सिर्फ एक हमारे एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, पूरे देश में और इवन अब तो पूरे वर्ल्ड में। इवन अगर हम लोग बात करें यूके की तो उनकी जो डिश है वो आपकी जो आपका तंदूरी बटर चिकन मसाला है, आई थिंक जितना मुझे ध्यान रह गया है, तो वो भी तंदूर से ही आया है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो तंदूर तो बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारे इंडियन का, और सारे उन विदेशियों का, सारे उन फॉरनर्स का, जिनको कि तंदूरी खाना अच्छा लगता है। तो चलिए ये हो गया तंदूर के बारे में। इसके अलावा तंदूर को जब बनाया जाता है तो तंदूर के अंदर हमारे कई प्रकार के इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं। मिट्टी यूज़ की जाती है स्पेशली, उसके बाद कांच यूज़ किया जाता है जिसको कि हम लोग मुंज बोलते हैं, और हस्क जो हमारे भूसा या चारा होता है वो यूज़ किया जाता है। इसके अलावा घोड़े के जो बाल होते हैं, पूंछ के बाल, वो यूज़ किए जाते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हम बाइंडिंग इस्तेमाल की जाती है तंदूर के अंदर। अब तंदूर को जब बना लिया जाता है, उसे सुखाया जाता है, उसकी क्योरिंग की जाती है, और सीधा ही उसको यूज़ में नहीं लिया जाता है, उससे पहले उसकी क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग के लिए हम लोग पालक लेते हैं, मस्टर्ड जो ऑयल होता है वो लेते हैं, दही लेते हैं, गुड़ लेते हैं, और सॉल्ट लेते हैं। और यहाँ पे मैं ये कोई एक परफेक्ट रेसिपी जैसी नहीं बता रहा हूँ, हर किसी एक शेफ़ का अलग तरीका होता है। आप अपने शेफ़ जिनसे सीख रहे हैं उनको फॉलो कीजिएगा। ये जस्ट कॉमन मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट बता दिया, अब इन सबको पकाया जाता है और तंदूर के अंदर लगाया जाता है, फिर धीरे धीरे करके आग जलाई जाती है। तो ये एक प्रोसेस होता है तंदूर को प्रॉपरली स्टार्ट करने से पहले। इसके अलावा जब हम तंदूर को यूज़ करने लगते हैं तो बीच बीच में उसकी सीजनिंग करी जाती है। सेम यही इंग्रेडिएंट तंदूर के अंदर लगाया जाता है, सुखाया जाता है, जलाया जाता है, या फिर हम लोग एक कपड़ा लेते हैं, कपड़े के अंदर हम लोग नमक का पानी बनाते हैं, उसको घोलते हैं और बीच बीच में लगाते रहते हैं, तंदूर ठंडा होता रहता है, उसकी सीजनिंग बनती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग तंदूर के बनाने में और उसकी सीजनिंग और क्योरिंग के लिए यूज़ करते हैं। तंदूर की बात करें तो अभी हमारा कोल का तंदूर अवेलेबल है, गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का, ये तीन वेरियंट अभी अवेलेबल हैं। तंदूर हमारे ऊपर की तरफ भी होता है, ज़मीन के नीचे दबा भी होता है, तो अलग अलग जैसे कि मैंने आपको पहले बताया।
मेन अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग तंदूर की जो सीख यूज कर इक्विपमेंट में तंदूर की सीख यूज़ की जाती है, गद्दी जो पिल्लो होता है वो यूज़ की जाती है, और हुक हमारा उसमें जो लटकाने के लिए तंदूरी चिकन वगैरह को किया जाता है। तो ये बेसिक इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ होते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने तंदूर इस्तेमाल किया है, कुछ भी और भी अगर आपके पास नॉलेज है प्लीज़ तंदूर से रिलेटेड नीचे मेंशन ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा अगर आप इंटरेक्ट करोगे इस वीडियो को लेके, क्योंकि आप में से आधे से ज़्यादा लोग तंदूर की रेसिपीज़ को जानना चाहते हैं और उनकी डिशेज के बारे में पढ़ना चाहते हैं। अब मैं तंदूर की बुक के बारे में बता देता हूँ। इसमें लगभग 80 रेसिपीज़ हैं, 25 रेसिपीज़ वेज की हैं, 25 रेसिपी नॉन वेज की हैं, 16 करीब इसमें अलग अलग ब्रेड्स के बारे में बताया गया है, और 7 करीब आपकी चटनियाँ और पेस्ट हैं। तो ये सारी की सारी जो भी बेसिक्स कॉमी शेफ़ है उनके लिए अच्छी है, होटल मैनेजमेंट के लिए अच्छी है। इवन अगर आप कोई अपना स्टार्टअप कर रहे हैं और आपको रेसिपीज़ नहीं मिल रही हैं, आप ये रेसिपीज़ ले सकते हैं, और जो भी घर में भी अगर कोई बनाना चाहे तो ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकता है। घर में हम छोटा एक बारबेक्यू जैसा ओवन में हम लोग ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो वेज रेसिपीज़ हैं उसमें पनीर टिक्का तो बड़ा फेमस ही है। कुछ रेसिपीज़ के आपको नाम बता रहा हूँ, तंदूरी गोभी हो गया, दही के कबाब हो गया, अफगानी पनीर हो गया, वेज शामी कबाब हो गया, और भी कई सारे रेसिपीज़ हैं, कुछ मैंने नाम लिए। इसके अलावा आपको चिकन में चिकन चपली कबाब मिल जाएगा, अंगारा कबाब मिल जाएगा आपको, गलौटी कबाब यहाँ पे मिल जाएगा आपको, तंदूरी चिकन पेशावरी कबाब आपको मिल जाएगा। ब्रेड की बात करें तो आपको सारी प्रकार की तंदूरी रोटी हो गया, पराठा हो गया, कुलचा हो गया, नान हो गया, और भी कई सारी रोटियाँ हैं। इसमें मुँह में पानी आने लगा है मेरे। चटनियों में आपको मिंट चटनी मिल जाएगा, पपीते की चटनी हो गया, इसके अलावा आपको जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बेसिक पेस्ट कैसे बनाया जाता है वो भी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये बहुत ही एक आप बोल सकते हैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बुक होगी, आप ले सकते हैं, व्हाट्सअप का नंबर नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा तंदूर के बारे में कोई भी जानकारी है प्लीज़ नीचे मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आगे का भी वीडियो बनाऊंगा तो उनको भी इंक्लूड जरूर कर लूँगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।